आपके पास है तो दो सेक्शंस, हमारे पास दो क्या, अपने पास फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, पर मैं ऑर्गेनिक ले रही हूँ बिकॉज एक महीना कम से कम हमारे पास है, फिर स्कूलिंग का टाइम होगा, तो उस एक महीने में हम ऑर्गेनिक को ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। और ऑर्गेनिक क्या है आपके पास में, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ये इतनी बड़ी चिड़िया नहीं है जिसको खाना ना जा सके, पर इसको क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपके पास, और वो प्रैक्टिस आप अभी जितना कर सकते हैं आप इतना स्कूल टाइम पे नहीं कर पाते। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जल्दी बताइए। बोलो बोलो बेटा, नहीं पता तो ये बोलो नहीं पता, नहीं पता। देखो आप सिंपल से एक बात करते हैं, हम अपने नेचर के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में नेचर भी हमें कई चीजें देखने को मिलती है, आपको मिल रहे हैं मिनरल्स, आपको मिल रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इसे हमारे पास अलग अलग सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इनसे हमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं आपके पास में जो हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं आपके पास में जो आपके पास में प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आपके पास में, है कि नहीं। तो मिनरल्स क्या है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, मिनरल्स क्या है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है आपके पास, और ये प्लांट्स और एनिमल क्या है, ये आपके पास में लिविंग सब्सटेंस, ये आपके पास में लिविंग सब्सटेंस है। जैसे एनवायरमेंट में जो आपके पास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, प्लांट्स के कारण हो रहा है आपके पास में, कि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, जिससे इन गैसेस का आपके पास में बैलेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है आपके पास में, गैसेस का आपको एक बैलेंस देखने को मिल रहा है हमारे पास में। तो जो सब्सटेंसेस आपको नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलते हैं कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंसेस आपके पास लिविंग सब्सटेंस से मिल रहे हैं इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे देखो सिंपल बड़े बड़े मैं जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे यूरेनियम है आपके पास, क्या चार्ज नहीं हो रहा, अच्छा इधर से कनेक्शन, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यूरेनियम है जर्मेनियम है, वो आपको मिनरल रिसोर्स से मिलेंगे, उनके डिपॉजिट से मिलेंगे आपके पास में। पर ऐसे अगर हम देखें कार्बन ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो हमें लिविंग सब्सटेंस से मिल जाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपके पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो आप बेसिकली देखो हमारे पास में जो सब्सटेंसेस अवेलेबल है, उन सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में आप डिवाइड करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर इसके लिए क्या होता है, इनके बीच में कई सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं हमारे पास, जैसे एक सिंपल सा बताया कार्बन ऑक्सीजन के लिए प्लांट से फोटोसिंथेसिस चल रहा है आपके पास, ऐसे प्रोसेसेस हमारे पास में चलते रहते हैं। तो हमारे पास में एक पर्सन आए थे आपके पास में, फ्रेडरिच वूलर, इट वॉज फ्रेडरिच वूलर, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी चालू करी थी। किसकी स्टडी चालू की थी हमारे पास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो स्टडी चालू की थी, और इन्होंने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाया था, सब्सटेंस को बनाया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। 1828 की बात है, दैट इज 1828 वूलर साहब ने क्या किया, वूलर साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, और इस सब्सटेंस से इन्होंने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, ये फॉर्म्ड एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस वाज यूरिया, दिस वाज यूरिया। इन्होंने जो है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यूरिया का फॉर्मेशन किया था अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड, इससे इन्होंने जो है वो यूरिया को बनाया था।
और जब इन्होंने यूरिया को बनाया आपके पास में, तो शुरुआत में क्या कहा गया? शुरुआत में कहा पागल है क्या, किसी नॉन लिविंग थिंग से किसी लिविंग थिंग को बना सकते हैं क्या? कभी कोई चेयर अपने ही बच्चे को पैदा कर सकती है, छोटी चेयर को पैदा कर सकती है? तो इसको इनिशियली क्रिटिसाइज कर दिया गया, सर फिरा है, पगला गया है, केमिकल को सुन सुन के बोरा गया, बोला भाई तू जा यहां से। इनिशियली इसको क्रिटिसाइज किया गया आपके पास में, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। पर फर्दर कुछ और भी लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे जस्टिफाई करोगे कि मुलर साहब पागल है, कोई रीजन तो दो। और इन्होंने इस पे स्टडी चालू रखी और वो स्टडी चलती रही, और उस स्टडी से पता चला कि भाई 95% जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो इसी तरीके के होते हैं। भाई 95% आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो क्या है आपके पास में, वो किसी ना किसी तरीके से सिंथेसाइज किए जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से बनाए जाते हैं। अमोनिया है एटमॉस्फेयर में, अमोनिफिकेशन सब पड़ा हुआ है आपके नाइट्रोजन साइकिल में, बनाया जाता है भाई, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है हमारे पास में, बनाया जाता है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है डायरेक्टली, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से गैस निकली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली जा रही है, भाई कंज्यूम करते रहो, फोटोसिंथेसिस होते रहे, नहीं, ह्यूमन बींग्स का भी होता है हमारे पास में, हम एक्सहेलेशन के थ्रू रिलीज कर रहे हैं हमारे पास में। तो उन्होंने कहा 95% आपके पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंथेसाइज किए गए हैं। क्या किए गए हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंथेसाइज किए गए हैं। और ये देखा गया आपके पास में कि जितने भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें एक बेसिक आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है? कार्बनिया। उसका बेसिक क्या है आपके पास में? कार्बन। कि जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं उसमें आपको जो है वो एक बेसिक कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है क्या? कार्बन। और कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है ये हाइड्रोजन के साथ। तो जब एक हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कंपाउंड्स देखे उसमें हमारे पास क्या है कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म में देखने को मिलता है, और इन्हें कहा हमने हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिनकी हम स्टडी करते हैं। These are the compounds of organic chemistry जिनकी हम study करते हैं। समझ में आ रही है बात? Clear? तो बहुत सारे आपके पास में ऐसे organic compounds देखने को मिलते हैं जिसके पास में आपके पास hydrogen और carbon आपके पास combine हो रखे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि carbon और hydrogen ही combine हो गया आपके पास में, और भी है, nitrogen combine कर सकता है, oxygen combine कर सकता है, glucose एक हो, glucose एक organic compound है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है C6H12O6, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, राइट? तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे आपके पास में। मेजरली 95% केस की बात हो रही है ना, तो मेजरली की बात हो रही है आपके पास कि मेन जो हमें देखने को मिलते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, हेलोजन ग्रुप्स के हैं, जो आपने नहीं देखा 10th में पढ़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप में OH है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है आपके पास में, COOH है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है आपके पास में, तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन है, इनके कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। और केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करती है उसे ही कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनके पापा जी के बारे में, कार्बन के बारे में, कि कार्बन ने ऐसा क्या किया कि हमें इसकी खासियत देखने को मिल रही है। चलो कुछ नोट करना है, फटाफट करो। सो कार्बन की इस चीज की जब बात होती है ना, एक तो बहुत बेसिक सी चीज आपके पास में कि कार्बन ऐसा क्यों करता है। कार्बन ऐसा करता है अपनी यूनिक वैलेंसी के कारण। किसके कारण? यूनिक वैलेंसी के कारण। कि कार्बन इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में इतने अलग अलग कंपाउंड हमारे पास में बनाता है, कैसे कमाता है, सॉरी बनाता है। कार्बन इतने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स अपने पास इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के पास में अपनी यूनिक वैलेंसी है। और वो यूनिक वैलेंसी क्या है आपके पास में? क्या है कार्बन की यूनिक वैलेंसी? वैलेंसी बनाते हैं। वैलेंसी कितनी है कार्बन की? वैलेंसी कितनी? व्हाट इज वैलेंसी? जो
बेटा लास्ट सेल वाले होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ये नाइन का कंसेप्ट है। अगर नहीं आता है बेधड़क पूछ लो कि नहीं आता है। नहीं पूछोगे और मुझे बातें पता चला नहीं आ रहा है, फिर मुझे आएगा गुस्सा तुमने पूछा क्यों, तो बेधड़क पूछो। वैलेंसी क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या है वैलेंसी? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एटम के कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या फिर दे रहा है, तो वो आपके पास वैलेंसी होती है। और आपने कहा कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन, यही कहा ना आपने, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। भाई साहब ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंसी नहीं है, ये क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम बट नॉट इन ईच केस। जैसे समझ लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है, 30 तक याद कर लो, कई बार बता देना 11, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके पास में, तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई? वैलेंसी देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लो और वैलेंसी भी देख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। वैलेंसी कितनी होगी भाई? वैलेंसी जब हम देखते हैं क्या देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में है आपके पास में स्टेबल होने के लिए सो क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो आपके पास में कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर ये ऑक्टेट अटेन कर ले, यही होता है ना, इट अटेन्स ऑक्टेट। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास में। अब ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल है आपके पास में 2 कंडीशन में, 8 करने के लिए 7 लेने पड़ेंगे, या अगर इसको खाली कर देगा तो इस आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा जिसमें 8 ऑलरेडी है। आसान क्या है, 7 लेना, 1 देना, 1 देना, तो वैलेंसी हो गई 1। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम है। और आ जाओ क्लोरीन पे, क्या है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? 17 पे खतरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब जरा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7 और वैलेंसी 1। अब देखो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है? समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। भाई आउटरीच सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि भाई कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी आपके पास उस एटम की कितनी है, कितने लेगा या कितने देगा कंबाइन करने के लिए। समझ में आ रही है बात? कितने लेगा या कितने देगा कंबाइन करने के लिए, वो हो जाती है उसकी वैलेंसी। तो ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी क्या है? वेरी गुड, टेट्रा वैलेंसी है, 4 है आपके पास, बहुत बढ़िया। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6। हाँ 4 कैसे बोला? 6 बोला था, सुनाई मुझे 4 दिया तभी तो मैंने पूछा तुम्हारा। जोर से बोलो, मेरे कान तक सही सही शब्द आए। तो भाई आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में 4। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, हमारे पास क्या कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को पूरा फिल कर ले,
या फिर चार इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को पूरा खाली कर लेगा तो ये भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा आपके पास में। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। वैलेंसी कितनी हुई? 4 हो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी आपके पास में 4 ही है, वो भी आपके पास में 4 ही है। अब बताओ मुझे कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है या कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है? यस, बॉन्ड बनाता है। बेटा कैसे बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। क्या करके? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। हमारे पास में क्या हुआ भाई? आपके पास में कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाएगा 2। हाँ, मतलब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और प्रोटॉन तो 6 ही रहे, प्रोटॉन तो 6 ही रहे आपके पास में। तो ये न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया। न्यूक्लियस क्या हो गया? यस, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया आपके पास में। सो इट बिकम्स हाईली नेगेटिव, देयरफॉर द स्मॉल न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स कुड नॉट स्टेबलाइज कार्बन एटम। तो वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, तो कहता है भाई माफ कर दे इनको, इनके घर विदा कर दे, मैं इन चार मेहमानों को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। सेम चीज अगर इलेक्ट्रॉन उसने 4 ले लिए किसी से, यही हो जाएंगे 2 8 आ गए आपके पास, सॉरी उसने दे दिए किसी को तो 2 हो गए आपके पास में, एटॉमिक नंबर 2 हो गया आपके पास। और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? पर प्रोटॉन कितने? 6। अब ये हैवी न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस क्या हो गया? अपने एटम के कंपैरेटिवली हैवी हो गया, कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। तो ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, कहता है भाई मेरा खुद का नहीं जी होना मचल रहा है मेरा जी, मुझे चाहिए बस कहीं से लेके आओ इलेक्ट्रॉन मेरे लिए, मेरे को नहीं हो रहा भाई, जी नहीं मर पा रहा। तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने चारों जो उसने दिए किसी को फटाफट ले लेता है। क्या करेगा? फटाफट ले लेगा कि वापिस दे दो मुझे, मैं नहीं दे सकता तुम्हें, आ रही बात समझ में? तो वो किसी को देगा नहीं। तो ऐसे में कार्बन क्या करता है? ऐसे में कार्बन करता है शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। ऐसे में कार्बन करेगा अपनी शेयरिंग, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है तब जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि अगर उसने किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर सेकंड केस में कार्बन ने दे दिए, कार्बन ने दे दिए तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज के साथ में जब उसने बॉन्ड बनाया, कैसा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही जब उसने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तब कार्बन क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। कार्बन क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो उसने किसी से जो है वो बॉन्ड बनाया, तो निगेटिव चार्ज वाले के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया आपके पास? अगेन आयनिक बॉन्ड। पर जब उसने शेयरिंग करी, कार्बन ने क्या कहा? आजा भाई मिल बांट के खाते हैं, तू भी खा मैं भी खाऊं, दोनों का पेट भरते हैं। कार्बन ने शेयरिंग करी, कार्बन ने क्या किया? शेयरिंग करी। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, उसको एक और की जरूरत थी, कार्बन के पास आया घूमते हुए, कार्बन ने कहा नेकी और पूछ पूछ, आजा बेटा फटाफट, दोनों शेयरिंग करते हैं, जब तुझे चाहिए तू इस्तेमाल कर, मुझे चाहिएगा मैं इस्तेमाल करूंगा। कार्बन ने क्या कर दिया हमारे पास में? शेयरिंग। तो हर एक हाइड्रोजन स्टेबल हो गया दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ, और अब देखो कार्बन भी स्टेबल हो गया, 2 2 4 4 2 6 और 2 8 कार्बन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया हमारे पास में। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है आपके पास में कार्बन की, कि पहला आपके पास में कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है आपके पास में इस कारण से। साथ ही आपके पास में क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। भाई कार्बन जो है वो अपने साथ कंबाइन होके बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन 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 ऐसे जुड़ के, जैसे देखो C6 6 कार्बन साथ में जुड़ गए अभी आपके पास में, बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन ये यूनिक प्रॉपर्टी इसकी, जिस कारण से कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है और ऑलमोस्ट हर एक सब्सटेंस के साथ अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। फटाफट करो, कार्बन के आपने बहुत सारे कंपाउंड्स तो जान लिए, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स बनते, पर ये कंपाउंड्स बना किसके साथ रहा है ये हमें देखना है, ठीक है? तो कंपाउंड्स किसके साथ बना रहा है आपके पास में?
कार्बन के आपको जो है वो बेसिक से जो आपने टेंथ में पढ़े थे उन्हीं कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो कार्बन के हमें सबसे पहले तो आपको एल्कीन एल्केन और एल्काइन आपने पढ़ा होगा, याद है क्या होता है? हाँ वैसे याद नहीं है, नाम याद है कि हाँ पढ़ा था कहीं पे, पता याद है पर पता कहाँ है ये नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो कार्बन दो तरह के बॉन्ड बनाता है, कार्बन की बॉन्डिंग की बात करें अब दो तरह के बॉन्ड, ये नहीं कि कार्बन कोवलेंट भी और क्या ये आयनिक बॉन्ड में बनाएगा, आपके पास शेयरिंग के साथ बॉन्ड बन रहा है क्या आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन की अगर बॉन्डिंग देखें तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, कैसी बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग, पर ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना ये भी आपके पास में नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर कार्बन आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन की शेयर कर रहा है, कार्बन आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, या कार्बन आपके पास में तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है हमारे पास, तो इस बेसिस पे जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपके पास में सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, अब ये होता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड हमारे पास जिसमें सारी सिंगल बॉन्ड है वो कहलाते हैं एल्केन, वो कहलाएंगे एल्केन, जैसे मैंने अभी आपको एक कार्बन का बना के दिखाया था, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन आए, चार हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, कैसा है ये जो डैश लाइन है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड दिखा रही है, तो कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है आपके पास, वहीं पे डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन। में कार्बन देखो हाइड्रोजन के पास एक ही की कैपेसिटी है, कार्बन उसे जिद करता है और कहता है नहीं 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 मेरे को तो देखो दो ही देने, इतना दुबला हो गया इतना पतला हो गया ले बेटा दो तो खाई ले, वो भी होती ना एक ही लड्डू बेटा दो तो खाई ले बढ़ता बच्चा है मेरा, तो वो कह रहा है हाइड्रोजन को अरे नहीं नहीं दो ले ले कम से कम दो तो तुझे लेने ही लेने हैं, हाइड्रोजन कहते जा तू फाड़ देना मेरे को तेरे से एक भी नहीं लेना, भाग गया हाइड्रोजन, तो कार्बन ने अपने कार्बन को बुलाया कहता है आ जा भाई कोई और नहीं सुन रहा तो मैं तेरे साथ ही दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा बचे हुए उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास में डबल बॉन्ड, क्या प्रेजेंट है आपके पास में डबल बॉन्ड की दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्या है डबल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड। ऐसे ही जब कार्बन तीन की शेयरिंग कर लेता है, जब कार्बन तीन की शेयरिंग करता है एक दो तीन तीन शेयर कर लिया एक बचा हाइड्रोजन के साथ कर लिया, ये कहलाते हैं एल्काइन, ये कहलाएंगे एल्काइन। तो सबसे पहले जो आपके पास में बेसिक कंपाउंड जो हमारे पास कार्बन बनाता है वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे एल्केन एल्कीन और एल्काइन, क्या है आपके पास में एल्केन एल्कीन और एल्काइन। अब इसमें क्या होता है इनके आपके पास में सफिक्स होते हैं हमारे पास जो सब्सटेंस के साथ एड होते हैं, क्या है आपके पास सफिक्स जो सब्सटेंस के साथ ऐड होते हैं, एल्केन का सफिक्स है एन, एल्कीन का सफिक्स है ईन, और आपके पास एल्काइन का सफिक्स है आपके पास में आइन, क्या है आपके पास आइन। अब जोड़ेंगे किसके साथ में, जोड़ने के लिए देखो याद करना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन है तो उसको कहते हैं मीट, क्या कहते हैं मीट, एक कार्बन को क्या कहेंगे मीट, दो कार्बन को ईट, तीन को क्रॉप, चार को ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, या फिर कहीं कहीं बुक में सेप्ट भी लिखा होता है बोल भी रहे बस इतने ही आते, आठ ऑप्ट नियो, ठीक है न।
नाइन तक ही करने, टेन भी होता है डेका हो जाता है आपके पास में, करने आप नाइन तक ही है, ठीक है। तो ये है आपके पास में, इसे कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं? वर्ड रूट। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं, मैं बात कर रही हूँ किसकी नेमिंग की, मैं बात कर रही हूँ किसकी नेमिंग की, मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ ही आपको नेमिंग सिखा रही हूँ, जिसे नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है आपके पास। तो मैं एक चीज आपको सिखा रही हूँ, तो जब आप नेमिंग कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, जो सबसे पहला बेसिक आपको नेमिंग याद करनी है, नॉमेनक्लेचर याद करनी है आपके पास में, उस नॉमेनक्लेचर में आता है आपके पास में, एक आता है वर्ड रूट। आप पहले लिखेंगे वर्ड रूट एंड देन फंक्शनल सफिक्स। जहां प्रीफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, वहां प्रीफिक्स आ जाएगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आएगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए क्या देखें, कितने कार्बन है? एक कार्बन का क्या कहते हैं? मीथ। एक कार्बन का क्या कहते हैं? मीथ। और ये क्या है? एल्केन। एल्केन का सफिक्स एन, मीथेन। यार एन ई होता है ना, बोल क्यों नहीं था? मीथेन क्या हो जाएगा? मीथेन। अब यहाँ कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथीन। डबल बॉन्ड है, इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। यहाँ कितने कार्बन है? दो को क्या कहेंगे? ईथ। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इथाइन। क्या हो जाएगा ये? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। ऐसे अगर देखो, ये तो एक कार्बन की बात थी, अब दो कार्बन ले लो, सेल्फ लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसके फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हो गया CH4, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, एक कार्बन चार हाइड्रोजन। अब नेमिंग देखो, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सफिक्स क्या है? एन। सफिक्स क्या है? एन। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन है, कितने कार्बन है? दो। दो को क्या लिखेंगे? इथेन। ये सी बन जाएगा इथेन। ये क्या बन जाएगा? इथेन। अभी पहले मैं सिंपल वाले करा रही हूँ, एक दो तीन चार, बाद में इसकी ब्रांचिंग करेंगे ना, तो यहाँ चेंज भी आएगा। अच्छा बताइए इसका नाम क्या है, खुद से बताएं सोच के, मैं नहीं बता रही, बताओ। क्या आप बताओ? हाँ जी, कितने कार्बन है? चार कार्बन है, ब्यूट। चार कार्बन है, ब्यूट। और ये सफिक्स क्या आपके पास? ब्यूटीन। क्या बन गया? ब्यूटीन। क्या बन गया? ब्यूटीन। चलिए बहुत बढ़िया, बताओ इसका, बताओ क्या होगा? जो डैश छोड़ रहे हो मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, इसका फॉर्मूला भी बता दो। फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटीन का? फॉर्मूला C4। बेटे सारे जो डैश छोड़ रहे हो मतलब हाइड्रोजन है, C4H7। बेटा यहाँ पे भी आएगा नहीं, H8। C4H8। चलो इसका नाम भी बता दो और इसका फॉर्मूला भी बता दो। ये चार मान लीजिए जो नीचे को जा रहा है, इसको भी चार मान लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देती तब भी तो वही होता, इसीलिए तो घुमा दिया मैंने तुम्हें। ब्यूटाइन। चार कार्बन है, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फॉर्मूला? C4H6 हो गया ना, एक दो तीन चार पाँच छ,
C4H6। समझ में आई बात? पक्का? चलिए नोट करें बराबर। तो पहला फंक्शनल ग्रुप की चेन क्लियर हो गई। पहले फंक्शनल ग्रुप में आते हैं आपके पास में एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। बोलो, ये जो आपने डबल बॉन्ड करवाया इधर में वो बिथीन वाला सी, अरे यार इसमें फॉर्मूला हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया, ये बोलना था ना। हाँ, हाइड्रोजन ज्यादा लगा डाउन करके उसमें और इसमें सेम होगा जो आपने एग्जांपल में भी करवाया था। तो मतलब मुझे लग रहा कि ये सही है और दोनों सेम। अच्छा फॉर्मूला सेम आ रहा है। हाँ तो सेम वो इसीलिए आ रहा है गलती से। वैलेंसी चार है ना, वैलेंसी पूरी करो, एक दो तीन चार, तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक कर लो। नोट करते हो गलत कर लिया उसको ठीक कर दो। चलिए जी, तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्लियर। अगला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है आपके पास में हैलाइड का। किसका? हैलाइड। हैलाइड क्या है? हैलोजन क्या है? हैलोजन भी नहीं पता, नहीं पता। पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड लास्ट कॉलम है आपके पास में जिनकी वैलेंसी वन होती है मोस्टली आपके पास जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे आपके पास हैलोजन होते हैं। क्या है आपके पास? हैलोजन। इसको डिनोट करते हैं एक्स। किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। मतलब जब हमारे पास कोई हैलोजन अटैच हो गया, क्या अटैच हो गया आपके पास? कोई हैलोजन अटैच हो गया, बॉन्ड आपका एक्स से कनेक्टेड है, आपके पास हैलोजन से कनेक्टेड है। और मेजर जो आपके पास में हैलाइड्स हमारे पास में आते हैं या जो हैलोजन आते हैं जिनको आपको देखना है, वो है आपके पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयरन। ये आपके पास मेजर हैलोजन, ठीक है, ये आपके पास में मेजर हैलोजन है। और हैलोजन में होता है प्रीफिक्स, सफिक्स क्या है? जो बाद में लगते हैं। सफिक्स क्या है? जो बाद में लगते हैं। प्रीफिक्स क्या है? पहले लगता है। इसका होता है आपके पास हेलो, सॉरी, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरो, आयडो, ये आपके पास, ठीक है। जैसे समझो मैंने आपको दिया CH3Cl, Cl अटैच हो गया आपके पास में, CH3Cl, Cl अटैच हो गया आपके पास में। अब वर्ड रूट तो क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है? एक कार्बन है, मीथ। और कार्बन में कैसे बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड है, मीथेन। तो भाई मीथेन और इसमें फर्क क्या है? फर्क है क्लोरीन का, पर क्लोरीन सफिक्स पहले लगेगा, सॉरी प्रीफिक्स पहले लगेगा, यस ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ऐसी C4H9 दिया, बताइए इसका नाम क्या होगा? बताइए इसका नाम क्या होगा? वैसे H9 होगा। हाँ H9 होगा। पहले क्या देखो कि ये सारे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं भाई, चार कार्बन है, कह रहा है कि H9 को अटैच करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ हो गया और एक BR है, एक सेकंड मिला, एक BR, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो वर्ड रूट क्या होगी? ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। हाँ बस बताए, बताई क्यों नहीं,
दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आंसर गलत होगा या आंसर होगा ही, तो बताओगे तभी तो पता चलेगा। बोलो ये मतलब आपने फॉर्मूला लिखा उसमें से कैसे पता चलेगा बॉन्ड कितना है? देखो एक तो मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगी कि आप कैसे पता करते हो। जैसे एल्केन है, एल्केन का बेसिक फॉर्मूला है CnH2+2। एल्कीन का बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। CnH2n-2 तो एक तो इस बेसिक चीज से पता चल जाएगी आपके पास में कि आप इस फॉर्मूले से रिलेट करके देख, आप इस फॉर्मूले से रिलेट करके देख सकते हैं कि फॉर्मूला किस बेसिस पर चल रहा है, CnH2n+2 या CnH2n है या CnH2n-2। दूसरा आप क्या करो, आप स्ट्रक्चर बनाओ। क्या दिया है? C4H9। C4 सबसे पहले सेंट्रल एटम, यहाँ पे कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है, तो चार कार्बन बनाए, कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, कभी डबल बॉन्ड बनने वाला नहीं है आपके पास में, तो 9 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया हमारे पास, तो भाई ये पूरे हो गए। एक ही बॉन्ड की वैलेंसी बची है, वहां क्या आ जाएगा? समझ में आ रही है ना? पक्का अगले वाले में देखती हूँ, और फिर उसमें पता है मुझे नेमिंग में भी तुम्हें अलग चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे एक साथ, तो दो फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करते वक्त प्रेफरेंस देखनी पड़ती है, और फिर प्रेफरेंस में तुम्हें हो जाएगी दिक्कत, इसलिए अभी फुल नहीं करा, इसलिए नहीं करा देती, पर फिर भी कोई नहीं मैं करा देती हूँ इसमें से ऊपर वाले में से करा देती हूँ, क्योंकि वो प्रेफरेंस जाएगी हमारे पास एल्केन एल्कीन एल्काइन यहाँ सफिक्स में आएंगे, ब्रोमो प्रीफिक्स में आएंगे, तो दिक्कत नहीं देगा, बाकी में दिक्कत दे जाता है। जैसे आपके पास फिर नींद क्यों आ रही है? वो भी अचानक से नींद ने हमला कर दिया है। आप I C3H3 भाई कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 तीन कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 1, 2, 3 क्या भाई? 1, 2, 3 तो तीन इसी में ही आ गए हाइड्रोजन, और बात है आई तो एक भी भाई आई आ गया, आयोडीन आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में बैलेंसी पूरी नहीं हुई। अब बैलेंसी पूरी के लिए क्या करो? ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो। अब देखो यहाँ तो कार्बन डबल बॉन्ड ले नहीं सकता, ये तो हमेशा सिंगल बॉन्ड में, हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड में अटैच होना है, क्यों वैलेंसी बने? कितना भी क्लोरीन की वैलेंसी बने आपके पास में, सिंगल बॉन्ड लेगा आपके पास में, तो यहाँ होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तब भी देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, यस और नो? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इसके पास कितनी है? 1, 2, 3। इसके पास में भी 1, 2, 3 वैलेंसी पूरी नहीं हुई, यस और नो? ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। अब 1, 2, 3, 4 हो गई वैलेंसी पूरी, 1, 2, 3, 4 हो गई वैलेंसी पूरी। अब क्या हो जाएगा आपके पास में? प्रीफिक्स है यहाँ पे आयोडीन का आयडो, और कितने कार्बन है? 1, 2, 3 तीन कार्बन, यस प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आयडो प्रोपाइन। समझ में आई बात? नाम क्या बन जाएगा? आइडो प्रोपाइन, क्लियर? अगला करें फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आता है आपके पास एल्कोहल। क्या आ रहा है आपके पास में? एल्कोहल, इधर लिख लियो। एल्कोहल में होता है आपके पास सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी है
हाइड्रोक्सी करके लगता है, वो बाद में करेंगे, पहले एक साइड का कर लो आपके पास। ये होता है ओएन, क्या होता है ओएन सीसी। ये हो गया आपके पास, कितना है, एक दो तीन, तीन कार्बन, ये बनता प्रोपेन। ई हट जाता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आता है, क्या प्रोपेनॉल, क्या बन गया प्रोपेनॉल। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी थ्री एच, कितने आएंगे, तीन चार पांच छह सात OH। समझ में आई बात पक्का। अभी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं दूंगी, अभी अगर मैंने तुम्हें दो फंक्शन ग्रुप एक साथ दे दिया ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कंफ्यूजन में ये चीज कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अभी एक ही रखते हैं। नेक्स्ट करो एल्डिहाइड, दिस इज सी एच ओ, क्या है आपके पास में सी एच ओ, और इसका सफिक्स है ए एल अल्फ, इसका सफिक्स क्या है ए एल अल्फ। एक दो तीन चार पांच, हाँ जी आप बताइए इसका नाम, ब्यूटेनॉल। यहाँ करते हो गलती, कार्बन कितने, एक दो तीन चार पांच, इस कार्बन को भी काउंट करना है, तो पांच कार्बन पेंटेन, ई को भगाएंगे अल को ले आएंगे पेंटेनॉल। समझ में आएगा, ई को भगाया आपके पास अल आ गया पेंटेनॉल, क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट आना था आपके पास में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कीटोन बताएगा कोई, कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आठवां है ना, सातवां था, थोड़ा इंप्रेशन दिख रहा है। कीटोन, कीटोन क्या होता है, ये होता है कीटोन, सी डबल बॉन्ड, इसको ना कई जगह से शॉर्ट में ऐसे भी लिख में आता है, तो कंफ्यूज नहीं है, इनके बाद की बात होगी आपके पास। इसके इधर भी कार्बन अटैच होगा, इधर भी कार्बन अटैच होगा आपके पास में, दोनों तरफ आपके पास कार्बन अटैच होता है इसमें। जैसे देखो मैंने दिया आपको, ये दिया ना चार, एक तो तीन चार, एक दो तीन चार, अब ये आपके पास है, इसका जो आपके पास सफिक्स होता है वो होता है ओन, वन मत पढ़ना इसे, ये होता है ओन, क्या होता है आपके पास में ओन। अब ये क्या हो जाएगा, कितने, एक दो तीन चार पांच, मतलब पेंटेन ही हट जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन क्या बन गया, समझ में आ गई बात। बताओ आगे तो समझ गया, इसका नाम बताओ, बता दो, हाँ तो क्यों बोलता है, क्यों नहीं है, वेट करता है, इसीलिए तो मैं बना के दे रही हूँ, जब ऐसे दिया होगा तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, डबल बॉन्ड रहे तो भी कंफ्यूज होना है। भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में देखना होता है, कार्बन के बीच में, क्या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है ना, तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना है और इसका रोल है इतना,
समझ में आ रही है बात, याद रहेगी। फिर आता है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, नहीं पता, सी ओ ओ एच, और इसको कैसे बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड। अब इसमें तो डबल कंफ्यूज होएगा, एट टाइम सोचोगे अरे डबल बॉन्ड है तो इन है, वैसे दिखेगा तो एल्कोहल है, देखना क्या है, अगर ये पूरा है तो कार्बोक्सिलिक, ये पूरा है तो कार्बोक्सिलिक है, जैसे ये दे दिया तब तो फिर भी आसानी से बता दोगे क्या है आपके पास, ये इसका सफिक्स क्या होता है, अरे वाह याद है, इसका ओइक, एक दो तीन कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, बताओ ये क्या है, पेंटेनोइक एसिड, वही कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओ एच है डबल बॉन्ड है, कंफ्यूज मत हो, एक ही की बात हो रही है हमारे पास, किसकी कार्बोक्सिलिक की, किसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर। इसके साथ ही आते हैं आपके पास में इथर, ये इतने तो पढ़े हुए थे टेंथ में, अब आ रहा है आपके पास नया इथर, इथर क्या होता है, जैसे बीच में आपके पास सी डबल बॉन्ड आ गया, इथर इज सिर्फ ओ, जब आपके पास बॉन्ड कैसा आ जाए आपके पास में, सिर्फ आ जाए आपके पास में ओ, ठीक है, इसकी नेमिंग बाद में करा दूंगी, कंफ्यूज हो जाओ, अभी एक साथ नेमिंग नहीं करा रही हूँ, बस ये सफिक्स वगैरह कर लो, रूल नहीं कराया ना अभी, अभी मैंने सिर्फ आपको जो बेसिक वाले हैं वो समझाए हैं उनका करा दिया। इसका क्या होता है आपके पास, इसका हो जाता है एल्कोक्सी, क्योंकि यहाँ से दो चार बातें और ध्यान रखने वाली हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, इसका क्या है आपके पास एल्कोक्सी, क्या है आपके पास एल्कोक्सी, ऐसे आपके पास में आता है ईस्टर, सी ओ ओ आर, आर का मतलब क्या होता है एल्काइल ग्रुप, कि कोई एल्काइल ग्रुप है आपके पास, याद है एल्काइल ग्रुप क्या होता है, याद है नहीं याद है, नहीं याद है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है आपके पास में, जैसे कोई एक एल्केन है, उस एल्केन ने अपना एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, जैसे आपके पास है सी एच फोर, क्या नाम होगा सी एच फोर का, मीथेन, सी एच फोर का नाम क्या होगा मीथेन, अब इसने एक अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, दे दिया किसी को, क्या बन गया सी एच थ्री, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, ये बॉन्ड का मतलब है यहाँ इसके पास वैलेंसी है, ये अभी जुड़ सकता है, वैलेंसी तो है क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वैलेंसी है, तो अब ये क्या बन जाएगा एल्काइल ग्रुप, मीथ ये क्या होता है आइन, सफिक्स क्या है आइन, मिथाइन, क्या बन गया मिथाइन, ऐसे देखो मान लो ये है आपके पास, बताओ इसका क्या नाम होगा, स्ट्रक्चर बना के देख लो ना, तीन कार्बन इधर, तीन हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है, चौथा इसके साथ है वैलेंसी, इसमें दो हाइड्रोजन है, तीन हो गए, चौथा इसके साथ है वैलेंसी, दो हो गए, ये एक खाली है, क्या बन जाएगा प्रोपाइन, एक दो तीन, तीन है क्या होता प्रोपेन होता, पर क्योंकि एक हाइड्रोजन ही हट गया है, क्या बन जाएगा, तो फिर अगर ट्रिपल या डबल बॉन्ड तो एल्काइन नहीं बनेंगे ना, एल्काइन सिर्फ एल्केन का,
समझ में आ रही है बात? तो आपके पास जब ईस्टर होता है, मतलब सी ओ ओ आर कनेक्टेड है, आर कोई भी इकाई हो सकता है, जैसे आर की जगह सी एस थ्री हो सकता है, सी ओ ओ सी एस, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास में इसका सफिक्स जाता है ओ एच, क्या जाता है ओ एच। कैसे बनते हैं, कैसे जुड़ते हैं वो बाद में करेंगे, पहले इन्हीं की नेमिंग करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे और अलग अलग नेम्स करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नंबरिंग के साथ नेमिंग सिखाऊंगी, अभी आज सिर्फ बेसिक पार्ट कर